अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, ठीक उसी तरह छतरपुर में लड्डू गोपाल के भी प्राण प्रतिष्ठा हो गए हैं। मंदिर भव्य बन गया है। इस मंदिर को लगभग 18 वर्ष से अधिक समय से लोगों को इंतजार था कब छतरपुर में लड्डू गोपाल मंदिर बनकर तैयार होगा। मंदिर भी तैयार हो गया है। ठीक 22 तारीख को इसी लड्डू गोपाल मंदिर में भगवान लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है और आप देख सकते हैं लोगों को लाइन में लगकर किस तरह से प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और प्रसाद लोग ले रहे हैं। हम वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से लोग लाइन में लगकर प्रसाद ले रहे हैं और प्रसाद लेने के बाद किस तरह से उत्साहित हैं लोग प्रसाद पाने के बाद। प्रसाद लेने का दिखाएंगे किस तरह से लोग यहां से प्रसाद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों की बड़ी लाइन लगी है जो प्रसाद लेने का काम चल रहा है। और सुबह से लगभग कितने लोगों का भंडारा में हो चुका? कोई भगवान की कृपा है या तो ईश्वर लड्डू गोपाल की, जितने लोग आया भंडारे में कोई कमी नहीं होगी। और रात के आनंद की जय बोली है, दूर दूर तक लोग भाग आए हैं यहाँ पे भंडारे का आनंद ले रहे हैं। अभी लोग 1-2 हजार आदमी को भी निपट चुके है और लगातार शाम तक ये भंडारा चलेगा, भंडारे में कोई कमी नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया लगभग हजारों लोगों से अधिक लोगों ने ये भंडारा ले लिया है और आप देख सकते हैं लगातार ये भंडारा चालू है, जहां बूंदी और पूड़ी और सब्जी का ये भंडारा है, जहां हजारों लोग इस बूंदी और सब्जी के भंडारे से लगातार प्रसाद ले रहे हैं और प्रसाद लेने के बाद लोग हैं किस तरह से ऊपर से लोग लाइन से आ रहे हैं, उस सीढ़ी से चढ़ते हैं, प्रभु के दर्शन लड्डू गोपाल के लेते हैं और क्रमशः नीचे आते हैं और प्रसाद लेते चले जा रहे हैं। अब प्रसाद पा रहे हैं लोग, वो भी बहुत आतुर हैं। यहाँ ये बच्ची आ रही है, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे किस तरह से उत्साहित हैं यहाँ प्रसाद लेने के बाद लोग, उनसे भी बात करके। ये महिलाएं हैं कुछ प्रसाद ले रही हैं लगातार, इनसे भी बात करने का प्रयास। किस तरह से प्रसाद ले रहे हैं आज, क्या है? आज लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये बहुत पुराना मंदिर था, प्राचीन मंदिर था, जिसकी आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसी के उपलक्ष्य में भंडारा चल रहा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की भी आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जी, आज प्रभु राम भी विराजे हुए हैं। 500 साल बाद आज मंदिर का जीर्णोद्धार होके और प्रभु राम को विराजमान किया गया है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में उत्साह तो है अयोध्या को लेकर। अयोध्या की नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज उत्साह मनाया जा रहा है। सारे शहर के मंदिरों में आज सारे शहरों में। और भी हम दिखाने का बात करेंगे। ये लोग हैं जैसे प्रसाद लेके आते जा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखो बड़ी बड़ी लाइनें लगी हैं, कतारों में लोग लगे हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे किस तरह से उत्साहित हैं लोग। हम एक एक चीज दिखाएंगे और दिखाने का धीरे धीरे प्रयास करेंगे, जैसे कि ये किस तरह से तैयारियां। अयोध्या के बाद प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ठीक उसी समय छतरपुर में लड्डू गोपाल के प्राण प्रतिष्ठा हुए हैं। लगभग 18 वर्षों से ज़्यादा समय से लोगों को शहर के इंतजार था, आज किस तरह से प्रसन्नता है? बिल्कुल प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। आप तो ये सोचिए कि कितने लोग, कोई ऐसा नहीं है जो अप्रसन्न हो, सब प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। आज सुबह से ही पूजा पाठ चालू हो गया था, करीब 4 दिन से बराबर यहाँ पे प्रतिष्ठान के लिए तैयारियाँ चल रही थी। आज जैसे ही भगवान श्री राम अयोध्या में जिस समय और जिस टाइम में विराजे, उसी समय यहाँ पर भी प्राण प्रतिष्ठा लड्डू गोपाल की हुई है। और उसके पहले कई दर्शनार्थी, माताएं बहनें, क्या बूढ़े क्या बच्चे क्या जवान, सभी लोग यहाँ पर थे और इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कैसे हमें दर्शन प्राप्त हो। और जैसे ही पट खुले, लोगों का राधे कृष्ण 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 राधे राधे, लड्डू गोपाल की जय के जयकारों से गुंजायमान हो गया पूरा मंदिर। इसमें राम सेवा समिति का कितना अहम योगदान है? राम सेवा समिति सबसे ज्यादा योगदान है। आज छतरपुर में ऐसा लग रहा है अयोध्या नगरी हो गई हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साल भंडारा भी यहाँ लगातार चल रहा है। राम सेवा समिति ने बहुत मेहनत की है इन चीजों में, तो अच्छा लग रहा है। पूरा छतरपुर अयोध्या नगरी जैसी लग रही है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम।
रहते लोग राम सेवा समिति के हैं और इन्होंने बताया जैसे महिलाएं भी हैं किस तरह से भंडारा का प्रसाद ले रही हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करें किस तरह से प्रसन्नता है वहाँ अयोध्या में प्रभु श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है, छतरपुर ही नहीं पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है, हर एक गली जहाँ पे भी आप निकलो भंडारा सुंदरकांड हर जगह राम राम है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया। जय श्री राम। भाई साहब यहाँ भंडारा विशाल भंडारा चल रहा है, किस तरह से आप उत्साहित हैं इस भंडारे? हम तो बहुत उत्साहित हैं और ये अपना सौभाग्य की बात है कि पूरे छतरपुर में और विश्व का पहला मंदिर ऐसा बना गया है यहाँ पर लड्डू गोपाल, जो इतनी बड़ी स्वरूप आज तक नहीं था और आज ही के दिन रामलला सरकार का विराजमान हुआ, पूरा राममय हो गया, पूरा भारत राममय हो गया है। बहुत खुशी जाहिर कर रहा हूँ, राममय हो गया पूरा देश और वहाँ विश्व की नहीं तो बताया विश्व की साथ साथ भारत देश की एक पहली ऐसी मूर्ति यहाँ लड्डू गोपाल की है जिसकी एक कुंटल 11 किलो की यह मूर्ति है और लगभग 35 इंच इसकी लंबाई है जो हाइट है और ये इसके पहले अलवर में थी विशाल मूर्ति लड्डू गोपाल की, अलवर के बाद विश्व की पहली छतरपुर में वह मूर्ति है। किस तरह से आज अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद छतरपुर में भी लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कितनी प्रसन्नता? बहुत प्रसन्नता हो रही है, सभी भक्तजनों में बहुत उत्साह है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? नहीं तो किस तरह से आप प्रसन्नता है घर में प्रभु राम का आज दीपावली के? जी हम लोगों ने अपने घर में भी प्राण प्रतिष्ठा की है, हमारे जो शिव जी है उनकी जो हमारे पास मूर्ति है उनकी, हम लोग सभी बहुत खुश है बहुत प्रसन्न है, दो दिन से तैयारियां कर रहे हैं इस अवसर की सब। जी इन्होंने बताया कि हमने घर में भी प्रभु शंकर शिव जी का भी प्राण प्रतिष्ठा किया है, उसके बाद हम लोगों में भी बड़ी प्रसन्नता है और उसको लेकर पूर्णतः तैयारी है प्रभु राम की, दो दिन से लगभग हम तैयारी भी करते रहे और छतरपुर में एक लड्डू गोपाल का विशाल मंदिर था और वह भी बन गया और वहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा आज हो गई है और विशाल भंडारे के साथ लड्डू गोपाल मंदिर में लोगों का आना जाना लगा है। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।